बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी गांव में एक नौजवान रहता था। पढ़ाई लिखाई जब ख़त्म हुई तो वालिदैन ने नौकरी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। कई महीने वो नौकरी की तलाश में फिरता रहा, लेकिन कहीं नौकरी ना मिली। एक दिन थक हार कर खुद से बोला, रिज़क तो अल्लाह की ज़ात ने देना है, अब मैं नौकरी की तलाश में नहीं फिरूँगा बल्कि सुकून से ज़िंदगी गुजारूँगा। अल्लाह राज़िक है तो घर बैठे ही रिज़क देगा। इसी सोच के साथ ये जवान सुबह की सैर के लिए निकला। सैर के बाद गांव के करीब से गुज़रने वाली नहर के पास जाकर बैठ गया। अभी बैठे 15 मिनट ही हुए थे कि देखा कि एक पत्ता नहर में नीचे की तरफ बहता हुआ आ रहा है। छलांग लगाकर पत्ता पकड़ा तो क्या देखता है कि पत्ते पर 2 नान और उन पर हलवा पड़ा था। वाह खुदाया, वाकई रिज़क तो खाने वाले तक खुद पहुंचता है। हलवा खाया, बहुत लजीज था, पेट भर कर वापस घर आ गया। जोहर के बाद फिर नहर किनारे चला गया। एक बार फिर हलवा और नान पत्ते पर आते नज़र आए, उठाए और खा लिए। मगरब की नमाज के बाद फिर नहर किनारे चला गया। इस बार फिर वही हुआ, वाह, रात के खाने का भी इंतज़ाम हो गया। अब रोज़ाना फजर, जोहर और मगरब की नमाज के बाद नहर किनारे जाकर बैठ जाता और बिला नागा नान और हलवा मिल जाते। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन ख्याल आया कि देखूं कि अल्लाह ताला किस तरह ये नान और हलवा भिजवाता है। इसी सोच में सुबह की नमाज के बाद नहर की ऊपरी तरफ चल पड़ा। कुछ किलोमीटर ही गया होगा कि देखा कि एक बाबा जी हैं जो नान और हलवा लिए नहर किनारे बैठे हैं। करीब जाकर देखा तो बाबा जी नान के अंदर हलवा रखते और फिर इस गरम गरम हलवे से अपनी टांग पर निकले एक फोड़े को टकोर करते, फिर एक पत्ते पर नान और हलवा रखकर नहर में बहा देते। जवान का दिल एकदम ख़राब होना शुरू हो गया। अब काइयाँ आने लगी, क्या मैं इतने दिनों से ये हलवा और नान खा रहा था? बाबा जी से पूछा, ये माजरा क्या है? बाबा जी बोले, कई दिनों से ये फोड़ा निकला हुआ था जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ थी। हकीम के पास गया तो हकीम ने मशवरा दिया कि रोज़ाना 3 दिन में 3 बार सूजी के हलवे को नान पर रख कर इसकी टकोर करूं। सो मैं फजर, जोहर और मगरब के बाद इधर आ जाता हूं। नान और हलवे की टकोर के बाद नान और हलवे को पत्ते पर रख कर नहर में बहा देता हूं, ताकि ख़राब होने की बजाय चरिंद परिंद और मछलियां ही खा लें। बेशक अल्लाह राज़िक है, रिज़क अल्लाह ही ने देना है। मेहनत और काहली के दरमियान फल का फ़र्क है। जो मेहनत करते हैं उन्हें पाक और साफ़ रिज़क मिलता है, और जो काहली में वक़्त गुजारते हैं और हालात के सामने हथियार डाल देते हैं तो रिज़क तो उन्हें मिलता ही है, मगर वो रिज़क जिसमें कराहत और गंदगी हो। दोस्तों सोचिएगा ज़रूर।